अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शबीर हुसैन और मैं लेकर आया हूँ 8 मरले का कॉर्नर लोकेशन का ब्यूटीफुल हाउस फॉर सेल। और ये हाउस है 1.5 स्टोरी, ठीक है। ये आप देखें, इस साइड पर भी गेट है और इस साइड पर रोड है, कॉर्नर का है, दोनों साइड पर 40 फुट का रोड है। इसी गली में घर बने हुए हैं और यहाँ पर सराउंडिंग में घर बन रहे हैं, ठीक है। इस साइड पर बैरिया की अभी डील आई हुई है, यहाँ पर 5 मरला के प्लाट आने वाले हैं। लेकिन अब इन साइड का आपको व्यू दिखाता हूँ, इन साइड व्यू चेक कर लें। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा कार पोर्च है, 2 कार इजीली पार्क हो सकती हैं यहाँ पर। और ये वेंटिलेशन के लिए स्ट्रीट दिया और उस कॉर्नर पर वहाँ पर भी दरवाज़ा है, ताकि उस साइड से किसी ने एंट्रेंस करनी है तो उसके लिए भी ऑप्शन मौजूद है। ये आपको देख सकते हैं, ये हमारा कार पोर्च और ये एंट्रेंस। ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम को भी उन्होंने सेपरेट किया हुआ है डोर से, ग्लास वाले डोर लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम एज ए, और ये आप चेक करें, ये डोर है। और जैसे हम एंटर होते हैं, ये हमारा बड़ा एक टीवी लॉन्च है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, खूबसूरत टीवी लॉन्च है, ओनर ने अपनी मर्जी से अपने लिए तैयार किया, जस्ट फॉर सम रीज़न ये सेल कर रहे हैं। ये आपकी मेन एंट्रेंस है, ठीक है, मेन एंट्रेंस। और ये हमारा नीचे 2 बेडरूम दिए हैं, ये एक मास्टर बेडरूम है और खूबसूरत टाइल्स है 2x2 की। और ये अटैच वाशरूम, ये अटैच वाशरूम चेक कर लें आप, ये अटैच वाशरूम फुली टाइल्स है, वॉल एंड तक टाइल्स लगी हुई हैं। इस साइड पर भी देखें, बड़ी टाइल्स लगी हुई हैं। ये कमोड है हमारा और ये हमारा देख सकते हैं बेसिकली। और ये हमारी वार्डरोब बनी हुई है, कपड़ों के लिए एक बड़ी अलमारी है, ये आप देख सकते हैं, फुली रूफ से लगी हुई अटैच वार्डरोब है। वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, ये खुली विंडो है, ओपन। और दरवाज़े देख सकते हैं आप, दरवाज़े इंतहाई खूबसूरत और सॉलिड, ये 8 फुट के दरवाज़े हैं टोटल, आप देख सकते हैं बड़े दरवाज़े लगे हुए हैं फुली वुड के, ठीक है। और ये एक बेडरूम दिया, नीचे 2 बेडरूम है, एक बड़ा है, एक छोटा बेडरूम है। और वेंटिलेशन के लिए 2 साइड विंडो दी गई है, ये आप देख सकते हैं। वॉल लाइट इतनी खूबसूरत काम किया गया, वॉल लाइट का और सीलिंग हुई है। बाकी ये इन्होंने एक लॉबी बनाई है, लॉबी के साथ ही यहाँ पर वार्डरोब बनाए हैं, ताकि आप इजीली अपने कपड़े वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। ये वाशरूम, वाशरूम देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, सभी वाशरूम फुली टाइल्स है, देखें एंड तक टाइल लगी हुई है चारों तरफ में, ये आप देख सकते हैं। सेंट्री का सोलिड सेंट्री यूज़ की गई है, ये कमोड। बाकी आपको दिखाता हूँ, ये हमारा किचन है, किचन को भी सेपरेट डोर के साथ सेपरेट किया गया, ताकि लेडीज़ अगर अंदर काम कर रही हैं तो उसे डिस्टर्ब ना हो या कोई प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। ये आप देख सकते हैं, ये किचन है और खूबसूरत लकड़ी का काम किया किचन में। और ये एक सेपरेट दरवाज़ा भी दिया गया है, बाकायदा एक तो वेंटिलेशन के लिए विंडो है, विंडो के साथ साथ एक दरवाज़ा है। हाँ, लाइट जलाते हैं। ये 8 फुट का ये भी दरवाज़ा दिया गया है, यहाँ से आपको एक सेपरेट एंट्रेंस भी है बाहर की तरफ, ये देखें, ये स्ट्रीट दिए। इस साइड पर भी एक गेट लगा हुआ है, हाँ, इस साइड से अगर आप किसी भाई ने इंटरेस्ट लेनी है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन रखी गई। ये देखें, छोटा गेट इस साइड पे है, मेन गेट उस साइड पर। ये है लॉन्ड्री एरिया, यहाँ पर लेडीज़ इजीली यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह वॉश कर सकती हैं, ठीक है। ये डबल जाली लगी हुई है, देखें, ये एक पतल जो ब्रीक लगी है, एक मोटी लगी हुई है, देखें, और सॉलिड काम किया गया। बेसिकली बताने का मकसद ये है। अब हम जाएंगे ऊपर वाली साइड पे, आपको ऊपर का लुक दिखाना है, ये देखें आप, यानी कि अगर आप इसको इन फ्यूचर रेंट आउट करते हैं तो आपकी नीचे वाली प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये है मेन गेट, मेन गेट से आप आगे भी गेट लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये मेन गेट है, यहाँ से आते हुए आपने सीधा अगर किराए पर देना है तो आप ऊपर लिए। यहाँ पर एक पाउडर रूम भी बना हुआ है, ये पाउडर रूम है, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन है। ये देखें, ये खूबसूरत सा पाउडर रूम बनाया गया सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे। अब हम चलेंगे ऊपर, नीचे 2 बेडरूम हैं, अटैच वाशरूम के साथ किचन है और इसके अलावा सर्वेंट पाउडर रूम। अब हम ऊपर जा रहे हैं, आप स्टेयर देख सकते हैं, फुली मार्बल कवर्ड है, ठीक है। और
अलुमिनियम का काम किया गया सीढ़ियों में। अच्छा, ये इन्होंने डेढ़ स्टोरी इसलिए बनाया था क्योंकि इन्होंने बैक साइड जो है वो सारी ओपन रखी है, यहाँ पर एक बड़ा फंक्शन भी हो सकता है इन फ्यूचर। लेकिन खूबसूरत माहौल है, हाँ नो डाउट। और अच्छा, ये एक सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर आते हैं तो एक बड़ा बेडरूम ये है फ्रंट साइड पर। ये स्ट्रीट व्यू है और ये देख लें, ये बेडरूम है और ये भी कैबिन बने हुए हैं इसमें। और ये अटैच वॉशरूम के साथ फुली टाइल्स लगी हुई है, तीनों वॉशरूम में फुली टाइल लगी है और तीनों डिफरेंट टाइल्स हैं। सैनिटरी का आउट क्लास काम किया गया, यहाँ पर डेल कंपनी की सैनिटरी लगी यूज़ हुई है। और ये आपका ये है हमारी टेरेस, यहाँ पर आप डबल टेरेस है इस वक्त। अगर इन फ्यूचर आपने बैक साइड पर भी कमरा बनाना है तो वो बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये आपका डेढ़ स्टोरी है जिसमें थ्री बेडरूम है। तो ये आपका एक खूबसूरत सिटिंग रूम है, सिटिंग टेरेस है, यहाँ पर आप बाहर का व्यू ले सकते हैं। इस साइड पर ये जो लैंड नज़र आ रही है, यहाँ पर बैरियर प्लॉट ले लिए हैं, इन फ्यूचर यहाँ पर भी आपको अभी कटिंग नज़र आएगी तो इससे घबराना नहीं है आप लोगों ने। ठीक, ये ओपन एरिया है, पत्थर लगा हुआ है फुली, देख लें आपने मार्बल लगा हुआ है यहाँ पर हुई है। और ये द्वार हुई है, द्वार के साथ उन्होंने विंडो भी बनाई है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप इसको बेडरूम बनाते हैं तो वो बना सकते हैं इजीली, कोई नो डाउट। और ऊपर भी ममटी दी गई है अभी, ठीक है, इसके अलावा भी ममटी है। ये जस्ट इन्होंने अभी डेढ़ स्टोरी में ही कम्प्लीट किया, किसी भाई ने ये लेना हो तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ममटी, ये अब मैं जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर का व्यू आपको एक मतलब दिखा देता हूँ। ये है ममटी, ममटी में भी एक अच्छे खासा स्टोर रूम की स्पेस दी गई है, यहाँ पर आप अपना कोई भी पेटी वगैरह यहाँ पर या एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा बाहर का व्यू आपको देखें, टॉप पर भी उन्होंने मार्बल लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं टॉप पर मार्बल। और इसकी सराउंडिंग देख लें, ऊपर से भी आपको दिखा रहा हूँ, घर बने हुए हैं साइडों पे। ठीक है, ये डी एक्सटेंशन ब्लॉक है और ये घर का व्यू है प्रॉपर, दो टैंकी बनी हुई है तो सराउंडिंग में काफ़ी तादाद में घर हैं। बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे भामी विलाज है और मार्केट है, तो ये व्यू है। थैंक यू दोस्तों।